उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा गले में। टेक आउट एंड थ्रो दिस यूनिफॉर्म एंड वेयर बलवंत राय लीज अराउंड नेक। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा गले में। टेक आउट एंड थ्रो दिस यूनिफॉर्म एंड वेयर बलवंत राय लीज अराउंड नेक। स्वागत नहीं करोगे हमारा, वॉन्ट यू वेलकम मी। स्वागत नहीं करोगे हमारा, वॉन्ट यू वेलकम मी। एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता। अ व्लैडी मॉस्क्यूटो कैन टर्न अ पर्सन इंटू एन इनक। अ व्लैडी मॉस्क्यूटो कैन टर्न अ पर्सन इंटू एन इनक। हार के जीतने वाले को वाजिगर कहते हैं। वन हु विंस आफ्टर लॉसिंग इज कॉल्ड वाजिगर। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। आई विल मेक यू सो मैनी होल्स इन यू दैट यू विल बी कन्फ्यूज फ्रॉम वेयर टू ब्रीद एंड फ्रॉम वेयर टू फाइट। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। आई विल मेक सो मैनी होल्स इन यू दैट यू विल बी कन्फ्यूज फ्रॉम वेयर टू ब्रीद एंड फ्रॉम वेयर टू फाइट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ स्लैप, अफ्रेड ऑफ लव। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ स्लैप, अफ्रेड ऑफ लव। जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। किस मूवी का डायलॉग है आपको ये जरूर याद होगा। चलो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू अरेस्ट डॉन बट ऑल्सो इम्पॉसिबल। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू अरेस्ट डॉन बट ऑल्सो इम्पॉसिबल। लाइफ में तीन चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। एक गई और दूसरी आती है। वी शुड नेवर रन आफ्टर थ्री थिंग्स इन लाइफ। वी शुड नेवर रन आफ्टर थ्री थिंग्स इन लाइफ, बस, ट्रेन एंड अ गर्ल। वन गोज अनदर कम्स। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। गो सिमरन एंड लिव योर लाइफ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बहुत पॉपुलर डायलॉग है ओम शांति ओम मूवी का, आपने सुना होगा। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ वन पिंच बर्मिलियन रमेश बाबू। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ वन पिंच बर्मिलियन रमेश बाबू। तेरा क्या होगा कालिया, वॉट विल हैपन टू कालिया। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सॉन्ग्स ट्रांसलेशन करके, जोक्स ट्रांसलेशन करके और डायलॉग्स का ट्रांसलेशन करके बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हो। इससे आपको मज़ा भी आएगा, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आप मज़े में इंग्लिश सीख जाओगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मानवेंद्र यादव सर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको सॉन्ग्स का ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें।